Dear students, so yesterday in last video we discussed about the use of reference electrode and we selected SHE, standard hydrogen electrode, as a reference electrode to measure electrode potential for at standard conditions. ठीक है, but there are some limitations, some drawbacks of standard hydrogen electrode, and we have, that's why we have to go for another electrodes. The limitations are here. First, as I already explained to you, हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर फिक्स की थी मैंने, H प्लस आई इसकी मार की थी, ठीक है, H2 गैस इसमें पास करते थे बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रोड था तुम्हें याद होगा, प्लेटिनम वायर लगा हुआ था, H2 गैस पास कर रहे हैं किस पे, वन बार प्रेशर पे, क्लियर बेटा, हाँ ठीक है. क्या होता है कभी कभी ये डिफिकल्ट होता है कि हमेशा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इतनी लंबी रिएक्शंस पे वन मोलर ही रखा जाए, ठीक है, वेरी कर सकती है, आप कितना कंट्रोल करोगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि वेरी कर गई तो पूरा स्टैंडर्ड, पूरी स्टैंडर्ड स्टेट उसकी खत्म हो जाएगी. दूसरा, एच टू गैस जो हम वन बार प्रेशर मेंटेन कर रहे थे, मतलब एटमोस्फेयर प्रेशर मेंटेन कर रहे थे यहाँ पे, तो पता होना चाहिए 180 एम इक्वल टू क्या होता है, 1.0 1325, इतना लगभग बार में होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, रफली लिख देते हैं 1 bar = 180, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी कभी ये प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ लिमिटेशंस है, कहीं कहीं ये एसएचई काम नहीं कर पाता है, ठीक है, जो हमारा सी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सी इलेक्ट्रोड है, वो काम नहीं कर पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक खाली तुम्हें याद रखना है नाम, ठीक है, हम कभी कभी कैलोमल इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या बेटा, कैलोमल का मतलब तुम्हें सीधा मरकरी से दिमाग में क्लिक करना है, ठीक है, मरकरिक का सॉल्यूशन, मरकरी का जो इलेक्ट्रोड है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लेटिनम वायर डिसॉल्व था, ऐसे यहाँ पे मरकरी का वायर डिसॉल्व होगा किसमें, Hg2Cl2 के सॉल्यूशन में, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, Hg2Cl2 का सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे गैस पास नहीं हो रही होगी, यहाँ खाली मरकरी का इलेक्ट्रोड होगा Hg का, ठीक है, और KCl सॉलिड भी लेते हैं हम, क्लियर, KCl सॉल्यूशन इसमें हम डिप करेंगे, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रोड, खाली तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एसएचई फेल हो जाता है. अच्छा, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे वेरी कर सकता है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 1 m कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, इस KCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 नॉर्मल ले लेनी है, ठीक है, यहाँ पे Hg2Cl2 के साथ KCl मौजूद होगा सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 नॉर्मल ले लेनी है, अगर यहाँ पे बोला जाए 0.1 n नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो कॉन्सेंट्रेशन KCl की 0.1 नॉर्मल ले लेनी है. ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मैंने सोचा ऐड कर देता हूँ, जिससे कुछ भी छूटे ना, क्लियर, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से.